Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 25. इससे पहले मैंने 24 लेक्चर अपलोड किया. अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखिए, पहले इस लेक्चर की तरफ आते हैं. तो चलो आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं. आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली प्लास्टिड है. अच्छा, सबसे पहला हम प्लास्टिड की एटमोलॉजी पढ़ लेते हैं. ये जो प्लास्टिड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया है, प्लास्टो से लिया है, और इससे मुराद होता है फॉर्म्ड मोल्डेड आर शेप, यानी इससे मुराद होता है मोल्डेड शेप स्ट्रक्चर. और दूसरा, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें यानी डिस्कवरी की बात करेंगे, तो हमारे पास एक बॉटनिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हेस्कर, जिन्होंने थर्ड किंगडम में इंट्रोड्यूस किया है, किंगडम प्रोटेस्टा. उन्होंने ये डिस्कवर किया था 1866 में. अच्छा, अब डिफिनेशन की बात करते हैं. तो आपको पता है प्लास्टिड जो है ना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये इसके कुछ मुशाबहत जो है ना माइटोकांड्रिया के साथ मैच करते हैं. इसलिए अगर हम एक थ्योरी पढ़ लेते हैं जिसका नाम एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, हम कहते हैं कि यूकेरियोट जो है ये प्रोकैरियोट से आए, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक्चुअली ये कहां से आया, ये क्लोरोप्लास्ट साइनोबैक्टीरिया से आए. एक थ्योरी एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी, आप सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहां से हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इनमें से बेसिकली पिगमेंट होगा यानी कलर होगा, कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्लास्टिड होगा. अगर हम प्लास्टिड की बात करें, ये यूनिक होता है, ये ओनली प्लांट में मौजूद होता है. दूसरा बात ये, अगर आप इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, बट चूंकि हम आपको एफएससी लेवल पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, तो इन तीन टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं. हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट. अगर हम क्लोरोप्लास्ट वर्ड की देखें तो क्लोरो का मतलब क्या होता है, कलर यानी ग्रीन कलर, और प्लास्ट कहते हैं मोल्डेड फॉर्म और इसको शेप कहते हैं. तो हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था वॉल, और 1837 में उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया है. अच्छा, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है ये बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और इनमें से एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या है, आए थोड़ा सा क्लोरोफिल को देखते हैं. क्लोरोफिल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको इस्तेमाल करता है, और इसे क्या तैयार करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तैयार करता है ग्लूकोज, जिसको हम बेसिकली फूड कहते हैं. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसकी जो साइज और बेसिकली शेप है ये वेरी होता है. इसकी जो डायमीटर है वो 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट, इसकी स्ट्रक्चर आपको हेटरोजीनियस नजर आएगा. हेटरोजीनियस से मतलब कि डिफरेंट नजर आएगा, और इनमें से स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसका नाम है ग्रेना, और ये ग्रेना जो है ना एम्बेडेड होगा मैट्रिक्स में. अब इससे क्या मुराद है, डिटेल स्ट्रक्चर में सारे जो पार्ट्स है वो देखेंगे. अगर हम पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की तीन मेजर पार्ट्स हैं, एक का नाम है एनवलप, दूसरे का नाम है स्ट्रोमा, और तीसरे का नाम क्या है, तलकॉइड है. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर किस तरह होता है. आपको पता है अगर हमने एक प्लांट ले ली और प्लांट की एक लीफ है, और अगर हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा, सबसे पहले आपको एक विक्सी लेयर नजर आएगा जिसका नाम है क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या कहते हैं, ये प्रिवेंट करता है प्लांट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर. दूसरा, इसके ऊपर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बाद पिलिसेट सेल होते हैं. अगर आप इस पिलिसेट सेल की जूमिंग करें तो आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा. अच्छा, आपके पास वैस्कुलर बंडल होगा, नीचे आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा, हाइपोडर्मिस में आपको यहाँ पे एक सुराख मिलेगा, सिंगुलर है स्ट्रोमा, और प्लूरल को कहते हैं स्ट्रोमेटा कहते हैं. अच्छा, अगर हम प्लांट के सेल में देखें ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आपको पता है प्लांट का सबसे बाहर सेल वॉल होते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और इसके अंदर विक्यूल चूंकि बड़ा होता है, इस विक्यूल का मेम्ब्रेन को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है. इसके ऊपर नीचे आपको मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. अब हम क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखते हैं. अब यहाँ से देखिए, चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन है, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, ये अगर आपको नजर आता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे पास ये जो ब्लैक नजर आते हैं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होते हैं, और ये जो दरमियान होता है ये वाला, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. तो ये हमारे पास क्या हुआ, एनवलप हो गया. दूसरा, हमारे पास ये जो एरिया नजर आता है ये जो वाला, ये इसको हम कहते हैं ये वाला, ये जो नजर आता है ये बेसिकली स्ट्रोमा है, और ये स्ट्रोमा बेसिकली मौजूद होते हैं फ्लूइड पार्ट में, और इस स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेगा, ये जो स्ट्रोमा आपको नजर आने से आपको प्रोटीन मिलेगा, दूसरा आपको राइबोसोम मिलेगा, और तीसरा आपको सर्कुलर डीएनए मिलता है. तो आपको पता है इनमें से राइबोसोम भी है और सर्कुलर डीएनए भी है, तो इस प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है. ये मुशाबहत जो है ना किसके साथ मैच करते हैं, माइटोकांड्रिया के साथ. दूसरा बात ये जो स्ट्रोमा है ये बेसिकली फ्लूइड में मुश्तमिल होता है, और इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा. डार्क रिएक्शन से मुराद ये कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, यानी इट डज नॉट रिक्वायर लाइट. और वो लाइट रिएक्शन क्या है, सॉरी डार्क रिएक्शन कौन सा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है.
दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास एक पूरा जो क्वाइंस नजर आता है या इस ये तलकाइड है, मैं आपको समझाता हूँ, इस एक को ग्रेनम कहते हैं और 1 2 3 अगर ये चार को मिला के इसको ग्रेना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और हमारे पास ये जो आपको एक नजर आता है ये वाला एक, इसको तलकाइड कहते हैं। और तकरीबन जब हम 50 तलकाइड इकट्ठा करें तो हमारे पास एक ग्रेनम बनता है। और आपको पता है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं यहां से, और इस ये हमारे पास नॉन ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ये हमारे पास एंटर ग्रेनम होता है, ये हमारे पास क्या है, एंटर ग्रेनम होता है। अच्छा दूसरा बात, ये जो ग्रेनम है आपको ये ग्रीन नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि ये उसका ल्यूमन होता है, ये जो जगह होता है उसका ल्यूमन होता है, इस ल्यूमन में क्लोरोफिल मौजूद है, ये आपको क्या नजर आता है, ये आपको ग्रीन नजर आता है। इनमें से तलकाइड में कौन सा रिएक्शन होता है, इनमें से लाइट रिएक्शन होता है, आपने याद करें लाइट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें से H2O की ब्रेकडाउन होती है और इससे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि तलकाइड में कौन सा रिएक्शन होता है, उसका नाम है लाइट रिएक्शन। अच्छा अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोमीकर प्लास्ट मीन फॉर्म शेप्ड और मोल्डेड, ये बेसिकली प्लांट को मुख्तलिफ कलर देते हैं एक्सेप्ट ग्रीन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करेंगे कहाँ पे मौजूद है, पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स क्या होते हैं, जो फ्लावर की कलर पार्ट्स होते हैं, कलर लीव्स होते हैं, उसको पेटल्स कहते हैं। इसके अलावा जो रेफ्ट फूड होते हैं, जो पक्का सा फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बनाना ले लें, मतलब इसके अलावा ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है ये देता है। दूसरा ये हेल्प करता है किस चीज में, ये हेल्प करता है पोलिनेशन में। पोलिनेशन का क्या होता है, पोलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन जो है ना वो स्टिग्मा की तरफ जाता है। दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है, यानी सीड को डिस्पर्सल में हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास है लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस, ये हमारे पास इसका ट्राइंगुलर शेप हो सकता है, ट्यूबुलर होता है और अदर शेप हो सकता है। दूसरा ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट मौजूद है, जो प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड मौजूद है, जमीन में मौजूद है, बेसिकली हम कह सकते हैं रूट ले सकते हैं, और रूट में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं।